वन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से दो किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गाँव ऐसी लगा हुआ वेंचर पी गेयरमैन ए एटीन तेलंगाना न्यूज मोहम्मद आजम अली आप सभी का खैर मकदम है एटीन तेलंगाना न्यूज पर आज परोजे मंगल यानी ट्यूज डे बारिख उनतीस नवम्बर का दिन है आइए देखते हैं एटीन तेलंगाना न्यूज का खास खबरनामा बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानब टेंथ क्लास की स्टूडेंट के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए जिसमानी हरासा ज्यादती और इसमत रेजी करने का इल्जाम है लड़की के ही क्लासमेट्स की जानब से इतला के मुताबिक हैदराबाद के बाहरी इलाके हयात नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत ये वाक पेश आया इसके अलावा क्लास के लड़कों ने मिलकर उसे ब्लैक मेल करते हुए शर्मनाक वीडियो रिकॉर्ड किए मोबाइल पर और लड़की को बार बार धमका रहे हैं डरा रहे हैं कि वो वीडियो वायरल कर देंगे या सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा टेंथ क्लास की लड़की खौफ जिदा होकर खामोशी अख्तियार कर, कर बैठी थी दस दिन बाद दोबारा लड़कों ने मिलकर लड़की को ब्लैक मेल किए मिलकर शर्मनाक वीडियो लड़की की सोशल मीडिया पर अपलोड किए जब लड़की के वाले को इसकी खबर मिली वाले फ़ौरन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज किए पुलिस सख्त एक्शन लेते हुए उस वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट करवाए पांच माइनस स्टूडेंट्स पर केसेस दर्ज किए गए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट के तहत और उन्हें जुविनायल घर भेज दिया गया पजागुटा पुलिस ने आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेडी की बहन वाई एस आर टी पी की सदर वाई एस शर्मिला को सेक्शन थ्री थ्री फोर्टी वन टू नाइन सिक्स थ्री थर्टी सिक्स थ्री फिफ्टी थ्री थ्री एटी टू और वन फोर्टी नाइन आई पी सी सेक्शन के तहत गिरफ्तार किए पार्टी लीडर्स और वर्कर्स को और उन्हें अदालत की तहवील में पेश किया गया नामपली कोर्ट में इसके अलावा वाई एस विजय अम्मा को आज मंगल के दिन उनके ही घर से बाहर जाने से रोका गया जब वो अपनी बेटी और वाई एस आर टी पी की सदर वाई शर्मिला से मिलने की कोशिश किए वाई शर्मिला को प्रगति भवन पर एहतजाज करने के लिए गिरफ्तार किया गया था वाई शर्मिला ने उनके काफिले के दौरान टी आर एस वर्कर्स के हमले के खिलाफ एहतजाज किए थे पीर के दिन शर्मिला और पार्टी वर्कर्स तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के घर की जानेब बढ़ रहे थे समाजी गुड़ा पर एहतजाज अंजाम देने नरसम वरंगल में पदयात्रा के दौरान टीआरएस वर्कर्स की जानब से हमले के खिलाफ केसीआर के घर के सामने एहतजाज करने वाई शर्मिला को गिरफ्तार किया गया जिसके बाद वाई शर्मिला के शौहर अनिल कुमार पंजागुटा पुलिस स्टेशन पहुंचे और बेल पर कुछ शर्तों के साथ वाई शर्मिला को रिहा किया गया जिसमें वाई शर्मिला को खास तौर पर हिदायत दी गई सीएम के सी के खिलाफ बयानबाजी ना करने और उन्हें बुरा भला ना कहने एक सौ पच्चीस फुट लंबी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति के तमीराती काम में तेजी कर दी गई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति हुसैन सागर तालाब के दरमियान होगी तेलंगाना रियासी हुकूमत प्लानिंग कर रही है अगले साल अप्रैल के चौदह तारीख को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति का इफ्तः करने उनके एक सौ बतीसवीं पैदाइश के मौके पर ऑफिशियल्स के मुताबिक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति सबसे लंबी मूर्ति रहेगी मुल्क भर में फेबरवरी के आखिरी दिनों साल 2023 तक इसके तमामती काम मुकम्मल कर दिए जाएंगे इसके अलावा के सी आर हुकूमत प्लानिंग कर रही है डॉक्टर अम्बेडकर के तलुक़ से मिनी थिएटर तामीर करने जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तस्वीरें और उनकी जिंदगी के तलुक़ से तफ़िलात बताए जाएंगे हैदराबाद सीसीएस सी स्पेशल टीम साउथ और चतरीका पुलिस ने मिलकर मंगल के दिन दो अफराद को गिरफ्तार किया जो शहर में टू व्हीलर्स गाड़ियां चुराने में मुलविस थे पुलिस ने उनके कब्जे से 16 टू व्हीलर्स गाड़ियां जब्त किए गिरफ्तार अफराद की पहचान टी आकाश चोपुगुड़ा की रिहायशी है और मोहम्मद सोहेल जो चरचल्ला की रिहायशी है जॉइंट कमिश्नर पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट गजराव भोपाल आईपीएस ने मीडिया से मुखातब करते हुए कहा कि आकाश चोरी करने के इरादे से पब्लिक प्लेसेस पर दौरा करता था और गाड़ियों को निशाना बनाकर चोरियां अंजाम देता था डुप्लीकेट चाबियों की मदद से आकाश यहां से चोरी अंजाम देकर गाड़ी को सोहेल के पास चटचिला लेकर जाकर उसे बेच दिया करता था जिसके बाद गाड़ियों की मरम्मत करवा कर गाड़ियों को चमकदार बनाकर बिना डॉक्यूमेंट्स के बहुत ही कम कीमत में मार्केट में बेच दिया जाता था